बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रिमिनल साइटेटर। आज का टॉपिक है स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी एट वी लेटेड स्टेज, मतलब सीआरपीसी जो कि वो जो 161 है जिसमें वो विटनेसेस का बयान रिकॉर्ड करते हैं पुलिस ऑफिसर या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, तो वो अगर लेटर स्टेज पर काफ़ी देर बाद, मतलब वो उसने फ़ौरन ही जैसे इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है या जैसे ही वो क्राइम सीन होता है वहीं पर वो रिकॉर्ड करनी होती है 161 स्टेटमेंट, अगर वो लेट रिकॉर्ड की गई है तो फिर उसका क्या इफेक्ट होगा या उसकी क्या वैल्यू होगी। प्रिंसिपल, इवन वन और टू डेज अनएक्सप्लेन डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ वाई विटनेस वुड बी फेटल एंड टेस्टिमनी ऑफ सच विटनेस कुड नॉट बी सेफली रिलाइड अपॉन। 2017 SCMR 486, मतलब ये बड़ा ख़तरनाक है अगर वो स्टेटमेंट फ़ौरन रिकॉर्ड ना की गई, अगर चाहे दो दिन का ही डिले क्यों ना हो और डिले अगर अनएक्सप्लेन्ड है, मतलब उसने बताया नहीं कि क्यों उसने डिले किया इस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये बहुत नुकसानदेह है और विटनेस की टेस्टिमनी को भी इफेक्ट करती है। डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस बाय पुलिस विदाउट फर्निशिंग एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन इज फेटल टू प्रोसिक्यूशन केस एंड द स्टेटमेंट ऑफ सच विटनेस इज नॉट बी रिलाइड अपॉन। तो ऐसे विटनेस की स्टेटमेंट पर रिलाय नहीं किया जा सकता है, ये 2010 SCMR 584 में हेल्ड किया गया। डिले इन रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट्स ऑफ आई विटनेसेस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी वाज ड्यू टू द नेग्लिजेंस लैप्स ऑफ द पुलिस ऑफिसर्स हु डिस्पाइट देयर अवेलेबिलिटी हैड फेल्ड टू रिकॉर्ड देयर स्टेटमेंट। अब डिले जो रिकॉर्ड किया है वो पुलिस ऑफिसर की नेग्लिजेंस की वजह से आई या उसके आलस की वजह से कह लूँ, और वो मौजूद था लेकिन उसके बावजूद भी उसने रिकॉर्ड नहीं किया। 2002 SCMR 203, क्रेडिबिलिटी ऑफ अ विटनेस इज लुक्ड विद सीरियस सस्पिशन इफ हिज स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी इज रिकॉर्डेड विद डिले विदाउट ऑफरिंग एनी प्लॉजिबल एक्सप्लेनेशन। 1998 SCMR 570, लेट रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस अंडर सेक्शन 161 सीआरपीसी रिड्यूसेस इट्स वैल्यू टू निल अनलेस डिले इज प्लॉजिबल एक्सप्लेन्ड, कि अगर डिले हुआ है तो वो उसकी वैल्यू जो है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगी, सिवाय इसके कि अगर उसने कोई मतलब सफिशेंट काज बताई कि किस वजह से उसने रिकॉर्ड नहीं किया 161 की स्टेटमेंट। 1996 SCMR 1553, द आइडेंटिटी ऑफ द कल्प्रिट्स वाज नॉट नोन एंड द पुलिस वाज बिजी इन ऑब्टेनिंग क्लू एज टू देयर आइडेंटिटी, हेंस द मेयर फैक्ट दैट दीज विटनेसेस वर एग्जामिन्ड ऑन द नेक्स्ट डे विल नॉट थ्रो एनी डाउट एज टू देयर प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ अकरेंस। 1968 SCMR 161, जो आइडेंटिटी है वो कल्प्रिट्स की वो नोन नहीं थी पुलिस, और पुलिस वाले जो है वो उसको तलाश करने में बिजी थे, इस वजह से उन्होंने मतलब उस दिन रिकॉर्ड नहीं की 161 की तरह स्टेटमेंट और अगले दिन रिकॉर्ड की, तो ये जो है वो उसकी प्रेजेंस मतलब इट विल नॉट थ्रो एनी डाउट एज टू देयर प्रेजेंस एट द टाइम ऑफ अकरेंस, मतलब उस वक्त वो उसकी मतलब ये एक तरह की समझ लें कि सफिशेंट काज है कि उसने क्यों रिकॉर्ड नहीं की। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाई प्रोसिक्यूशन विटनेस आफ्टर मोर देन अ मंथ ऑफ द अकरेंस सच स्टेटमेंट हैड नो लीगल वैल्यू एंड वाज इनएडमिसिबल इन एविडेंस एंड कुड नॉट बी यूज्ड टू कंट्राडिक्ट द कंटेंट्स ऑफ द FIR। सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्डेड सब्सिक्वेंटली टू द FIR कुड बी व्यूड एंड एज इम्प्रूवमेंट्स मेड टू द विटनेस स्टेटमेंट। अब सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जिसे जिमनी हम कहते हैं, मतलब जैसे कि FIR में अगर एक शख्स ने FIR कटवाई और उसके बाद उसने बाद में अपनी स्टेटमेंट में बयान दिया कि जी मेरा मुलजिम फलां है, तो वो बाद में उसे नामजद किया जाता है, तो वो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, तो वो उसी की ही इम्प्रूवमेंट समझी जाती है। PLD 2016 SC 951, अक्यूज्ड वाज इम्प्लीकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट रिकॉर्डेड 16 डेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR, एविडेंस रिलाइड अपॉन बाय प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अक्यूज्ड वाज एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एंड स्टेटमेंट्स ऑफ वज ठक्कर विटनेस होता है जो मतलब ऐसे गुजर रहा हो और उसने वो देख लिया वाकुआ, उसको कहते हैं वज ठक्कर विटनेस, मेरा ख्याल है। मज़ीद कन्फर्म कर लीजिएगा, अगर मे बी आई एम रॉन्ग तो कमेंट में लिख दीजिएगा आप इसको। हाई कोर्ट हैड राइटली अपॉइंट दैट एविडेंस रिलाइड अपॉन बाय प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट अक्यूज्ड वाज अ वीक टाइप ऑफ एविडेंस एंड एविडेंशियल वैल्यू ऑफ द सेम वुड बी सीन एट द टाइम ऑफ ट्रायल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस हैड ऑलरेडी बीन फाइनलाइज्ड एंड कंटिन्यूड कस्टडी ऑफ अक्यूज्ड इन जेल नॉट सर्व एनी बेनिफिशियल पर्पज एट सच स्टेज बेल वाज अलाउड। 2012 SCMR 184, FIR ऑफ द इंसिडेंट वाज लॉज्ड 4 days after the occurrence without any plausible explanation during which one prosecution witness played an active role for the first time
स्टेटमेंट ऑफ ओनली आई विटनेस ऑफ द अकरेंस वाज रिकॉर्डेड बिफोर पुलिस 10 days आफ्टर द अकरेंस सुप्रीम कोर्ट एक्सटेंडेड बेनिफिट ऑफ डाउट टू बोथ अक्यूज्ड पर्संस एंड एक्विटेड देम ऑफ द चार्ज लेवल्ड अगेंस्ट देम 2011 SCMR 1215। मतलब इतनी फैटल है ये 161 के स्टेटमेंट के उसने 10 दिन डिले किया रिकॉर्ड करने में, तो इस वजह से अक्यूज्ड को उसका फ़ायदा दिया गया, बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड की तरफ चला गया, प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाता है इसकी वजह से। स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 161 CRPC ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑफ विटनेस वर रिकॉर्डेड आफ्टर मोर देन 1 month एंड 21 days। पुलिस रिकॉर्ड शोड दैट द स्टेटमेंट ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस वर रिकॉर्डेड ऑन 30/10/2000 वाइल डिपोजिंग ऑन ओथ वन प्रोसिक्यूशन विटनेस हैड गिवन द डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट एज 30/11/2000 क्रिएटिंग सच डाउट्स इन स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन विटनेस विद रिगार्ड टू देयर प्रेजेंस एट दैट टाइम ऑफ अलेज्ड अकरेंस रिकॉर्डिंग of their statement were also appearing due to which identification test had lost its veracity. Supreme Court set aside the conviction and sentence of accused awarded by High Court and acquitted him of the charge. 2009 SCMR 84। मतलब 161 की स्टेटमेंट की इम्पोर्टेंस कितनी है वो आपको इन जजमेंट्स को पढ़ने से पता चलेगी कि अगर उसने लेट, अब इसमें हुआ क्या था कि उसने पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी 30/10/2000 को, लेकिन विटनेस ने खुद कहा कि उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की गई थी 11/2000 को, मतलब 1 महीने के डिले के बाद, और इस वजह से जो है वो अक्यूज को बरी कर दिया गया। बी लेटेड एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाई पुलिस मे नॉट बी फैटल टू प्रोसिक्यूशन बट वेयर डिले इज अनएक्सप्लेन्ड अक्यूज्ड हैज नॉट बीन नेम्ड इन FIR एंड सर्कमस्टांसेज जस्टिफाई दैट ओपन FIR एंड डिले हैव प्रपोजली बीन मेनवर्ड टू नेम अक्यूज्ड लेटर सच मैनेज्ड डिले एंड गैप्स एडवर्सली अफेक्टेड प्रोसिक्यूशन केस 2008 SCMR 1221। अब इसमें कहा गया कि लेट अगर हो जाती है विटनेस की स्टेटमेंट तो ये फैटल नहीं हो सकती, अगर वो अनएक्सप्लेन डिले हो, मतलब पुलिस ऑफिसर जो है वो बता ही ना सके कि उसने क्यों डिले की है, और FIR में जो है वो मुलजिम नामजद भी नहीं था, और उसके अलावा जो उसका मतलब उसे बाद में भी नामजद नहीं किया गया, तो फिर जो है वो इसका कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर वो बता सकता है कि क्यों नहीं उसने रिकॉर्ड की। तो स्टेटमेंट रिकॉर्डेड बाई पुलिस आफ्टर डिले एंड विदाउट एक्सप्लेनेशन आर टू बी रोल्ड आउट ऑफ कंसिडरेशन 1993 SCMR 50। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाई पुलिस शॉर्ट डिले वन डिले इन रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट ऑफ आई विटनेस वुड नॉट थ्रो एनी डाउट ऑन देयर बींग प्रेजेंट एट टाइम ऑफ अकरेंस पर्टिकुलरली वेयर आइडेंटिटी ऑफ कल्प्रिट्स नॉट नोन कॉर्नेलियस CJ कॉन्ट्रास्ट। ये ऊपर भी यही वाली बात आ चुकी है 1968 SCMR 161 के, अगर तो एक दिन का डिले है और वो डिले एक्सप्लेन भी है तो ये इससे उसकी वैलिडिटी पर अफेक्ट नहीं होता कि वो आई विटनेस है या नहीं है। अगला टॉपिक जो है वो नेक्स्ट में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।